मोदी सरकार ने आज किया है इसका सबक सिखाएंगे। पूरे देश में जेलें भर देंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। राजीव गांधी जी का बेटा है, न डरा है न डरेगा, न झुका है न झुकेगा। इनको घरों से निकाल निकाल के कहेंगे कि राहुल गांधी सत्य बोलेगा। और कहा कि भारत के अंदर एक जगह बड़ी खबर दो तीन दिन से चल रही के अंदर है, राहुल गांधी की जगह सदस्यता है सांसद की बात खत्म कर दी गई और बीच चीज़ ने लेके अब आप कहा कि राजस्थान के अंदर जगह बयानबाजी वे भी चालू हो गई। तो क्योंकि तो मामलों हुई कि शुरुआत 2019 के चुनावी भाषण से हुई और भी के अंदर राहुल गांधी जी के द्वारा कोई मोदी सरनेम ने लेकर टिप्पणी करी गई और भी के बाद मन को ऊपर मान आने को केस हो और सूरत की जगह कोर्ट है भी के अंदर माने दोषी पाया गया और भी के बाद में बृहस्पतिवार की बात है गुरुवार की और शुक्रवार जगह सांसद की जगह बन गई सदस्यता है बात खत्म कर दी गई। केंद्रीय मंत्री जगह गिरिराज सिंह जी ही बन को एक बयान सामने आयो कि चारा घोटाला के अंदर जदे लालू प्रसाद यादव की सदस्यता भी हिसाब से गई ही और बी टाइम में राहुल जी जगह पे लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात बना कौन करी ही और बी के बाद में लालू जी जगह शराब राहुल जी दियो शराब ने जो वही के पीछे की वजह पे बता रहे हैं और इसके बाद में अपने जगह सीकर से लक्ष्मण गर्ग का विधायक ही डोटासरा जी बन को भी एक बयान आयोगी राहुल गांधी जगह जगह सत्य के पथ पर चलने ही और सत्य के पथ से मान कोई हटा कुछ सके तो भी आपके पास में क्या खयो हो तो पूरे वीडियो के अंदर सुन सको हो। इन्होंने जितना गलत काम इस देश में आज तक 70 साल में नहीं हुआ उतना गलत काम इस मोदी सरकार ने आज किया है, इसका सबक सिखाएंगे, इनको सत्ता से हटाएंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, सड़क पे भी देंगे, सदन में भी देंगे। राहुल गांधी देश का वो नेता है जिसके अंदर देश की आजादी में जिस कांग्रेस पार्टी का योगदान, बलिदान, त्याग, तपस्या, उस पार्टी का नेता है राहुल गांधी। देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले इंदिरा गांधी जी का पोता और राजीव गांधी जी का बेटा है। न डरा है न डरेगा, न झुका है न झुकेगा। पूरे देश में जेलें भर देंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। इन फासिस्टवादी ताकतों को सबक सिखाने का समय आ गया है। उठ खड़े होइए और इनका मुकाबला कीजिए। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनको घरों से निकाल निकाल के कहेंगे कि राहुल गांधी सत्य बोलेगा। सत्य के साथ में है, तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है कि तुम लोग राहुल गांधी को झुका पाओगे। और बताया गया कि आगे को जो और भी प्लानिंग कुछ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कोई ने आपकी याचिका जगह दायर करी जा सके। थारी के ऊपर क्या राय है कि वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या फिर बात करें कि आपने जगह राजनेता ही मान सोच समझ की कोई भाषा को प्रयोग बन करना चाहिए। थारी जी की राय है, बाबा ने कमेंट बॉक्स में जरूर होगा।